बारिश मिशन के चुनाव में वोटिंग के दौरान हम जब यहाँ कवर कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ वोट डालने के लिए पूर्व सांसद श्री राजाराम पाल जी भी हैं। सर स्वागत है आपका कबीर में। वो चुनाव इन चुनाव में क्या डिफरेंस रहता है सर? वो तो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के तहत रानी और मातरानी के वोट की कीमत एक है, लेकिन ये चुनाव पोस्ट ग्रेजुएट लोगों का चुनाव है, ये विद्वान अधिवक्ताओं का चुनाव है, इसमें उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जो चुनाव में लहर हवा बहती है, क्या जिस तरीके के वो चुनाव होते हैं, कास्टिज्म पे होते हैं, कॉर्पोरेट पे होते हैं, पॉलिटिकल होते हैं, तो पॉलिटिकल तो होते ही होते हैं, तो क्या ये इससे प्रभावित रहते हैं कि नहीं रहते सर? निश्चित तौर पर रहते हैं, प्रभावित करने वाले लोग प्रभावित करते हैं, ना प्रभावित करने वाले बिना प्रभावित किए भी मदद करने का काम करते हैं। हमारे ऐसे लोग तो बिना अप्रोच भी ना करें तो भी जो डिजर्व करता है उसको वोट दे देंगे। अभी आप ही के पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ी बहस 1585 की करी जा रही है, क्या इसके असर यहाँ देखने को मिलता है? बिल्कुल, जब दूसरे पहले निश्चित तौर पर जो समाज में हो रहा है, जिस तरह पूरे देश में हो रहा है, जो हालात हैं आज, उससे कोई आदमी अछूता थोड़ी है। तो अगर वहाँ पीडीए हो रहा होगा तो यहाँ पीडीए हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा होगा। राजाराम पाल जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब वहाँ पर अखिलेश यादव पीडीए कर रहे हैं तो यहाँ पर बारिश सुशासन के चुनाव पर भी में भी पीडीए ही हो रहा होगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि पीडीए का फुल फॉर्म क्या है।